जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों एग्ज़ाम्स है करीब में और समस्या यह है कि कितनी चीज़ें को याद करें। जैसे कि एक क्वेश्चन यह है कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा में योगदान बताइए। तो कभी स्वामी विवेकानंद जी, कभी महात्मा गांधी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कभी अरविंद घोष जी, इन चारों विद्वानों में से किसी न किसी का एक शिक्षा में योगदान या शिक्षा दर्शन या शिक्षा के उद्देश्य हमेशा पूछता है। अब इन चारों को याद कैसे किया जाए, तो देखिए जब आप इन चारों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सभी का शिक्षा दर्शन काफ़ी सिमिलर है, ओके और इनके जो उद्देश्य और सिद्धांत बताए गए हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो ये चारों चूँकि भारतीय विद्वान हैं तो इनके आपस में काफ़ी सिमिलर है, तो उन सारे सिद्धांतों को, उद्देश्यों को जोड़कर मैंने एक सिद्धांत और एक उद्देश्य बताया है। आप उसको अपने यूनिट और सीरीज से मिलाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ सारे विद्वानों के बारे में आप वही लिख सकते हैं। पहले चीज़ों को समझिए फिर बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। देखिए हर एक विद्वान ने ये माना है क्या कि शिक्षा इस प्रकार होना चाहिए जो बालक का संपूर्ण विकास करे। संपूर्ण विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। हाँ, चाहे वो अरविंदो जी की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी की, सबका ये सिद्धांत दिया हुआ है कि बुद्धि वृद्धि, मतलब शिक्षा ऐसा हो जो आपके मेंटली थॉट को डेवलप करे। और सबका यही मानना है कि बालक और बालिकाओं के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। बालक हो या बालिका, एक दूसरे बिल्कुल भिन्न नहीं है, सबका यह मानना है। और सबका मानना था कि शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, और सबका मानना था कि शिक्षा में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने वाली शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे पढ़ाएं कि लोगों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो। और सबका मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो इन बच्चों के व्यवसाय का एक जरिया बन सके, जीविकापार्जन का जरिया बन सके, बच्चे उससे कुछ अपनी आत्मनिर्भरता को हासिल कर सके, आने वाले जीवन में अपने व्यय को स्वयं उठा सके। और सबका मानना था कि स्व अनुभवी शिक्षा होनी चाहिए, मतलब आप एक्सपीरियंस करके पढ़ने चाहिए बच्चों को। और सबका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का सुधार हो। ठीक है, तो अगर किसी का भी आता है, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आप इस सिद्धांत को आंख बंद करके लिखिए, सबने यही सिद्धांत दिए हैं, सबका सिद्धांत इसी से मिलता जुलता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप एक बार अपने सीरीज से मिलाइए, लगभग सबका यही सामान है। अब इसमें कुछ बातें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि 8 कम है सिद्धांत तो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। उस ऐड करने में गांधी जी के बारे में सोचिए, तो गांधी जी का जो जीवन शैली था वो काफ़ी साधारण था। साधारण का मतलब वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे विचार करते थे, साधारण जीवन लेकिन उच्च सोच। वो हमेशा वो खादी के वस्त्र पहनते थे। तो जब गांधी जी के बारे में अगर पूछ दे तो कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, जैसे वो निःशुल्क शिक्षा पे जोर दिए थे गांधी जी, और कुटीर उद्योग मतलब घरेलू जो काम होते हैं जैसे कि कपड़े बनाना, चमड़े के सामान बनाना, तो ये सारी चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस किए थे। कि गाँव में जो कार्य होता है, मुरब्बा बनाना, अचार बनाना, चटाई बनाना, तो गृह कार्य जो होता है ना, कपड़े की बुनाई करना, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा जोर दिए थे। तो उनका मानना था कि शिल्प कलाएं या कुटीर उद्योग शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी, और गांधी जी अंग्रेजी भाषा के खिलाफ थे, तो वो उनका मानना था कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, खासतौर पे बाल शिक्षा में, मतलब 8वीं तक में नहीं होना चाहिए। तो अगर गांधी जी के बारे में अगर ऐड करना चाहे तो इन बिंदुओं को ऐड करिए, अगर आपको लगता है कि ये 8 पॉइंट कम है तो। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर चाहें तो ऐड कर लीजिए, तो स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व कैसा था, वो बड़े बड़े धार्मिक विचार के थे, राष्ट्रीय सुरक्षा पे बल देते थे, सामाजिक कार्य करते थे, तो अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। और हाँ, खास तौर पे जब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछे तो कुछ बिंदु उसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जनगण मन के रचयिता हैं। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो जब ये संगीत और लेखक में इसका अध्ययन था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये भी मानना था कि पाठ्यक्रम में, यानी कि शिक्षा के सिद्धांत में, संगीत, कला, अभिनय, एक्टिंग और प्रकृति प्रेम, नेचर के प्रेम को स्थान देना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, वरना ये 8 बिंदु भी काफ़ी हैं। कहने का मतलब है कि सारे समान हैं, कोई भी पूछे आप ये सिद्धांत लिखिए, आसानी से लिखिए, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, मुझ पे भरोसा करिए, सीरीज से मिलाइए। अब ये बात हो गई दोस्तों शिक्षा दर्शन, मतलब आप आसानी से इन 8 बिंदुओं को लिख सकते हैं, अगर ऐड करना चाहे तो इनको ऐड कर लीजिए। अब बात कर लें तो दोस्तों कि सबने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताएं।
तो सब ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक विकास करे, फिजिकल डेवलपमेंट करे, मानसिक विकास करे, मेंटल डेवलपमेंट करे, नैतिकता एवं आध्यात्मिक का विकास करे, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करे। सबका मानना था, हर एक विद्वान का मानना था। तो कोई भी पूछे आप ये शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। समस्त शक्तियों का विकास मतलब ऑल पावर का डेवलप करे, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सबका मानना था कि शिक्षा के उद्देश्य ये होना चाहिए। राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, नैतिकता का निर्माण, इसके अलावा समाज सुधारक, जो भी बिंदु आए आप लिख सकते हैं कि सबका यही मानना था। एक ही तरह के विचार उन्होंने दिए हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान प्रेम को बड़ा बल दिए थे। तो ये बिंदु आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, चाहे किसी का भी पूछे आप ये शिक्षा के उद्देश्य लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। सारे विद्वानों ने लगभग समान तरह की शिक्षण विधि दी। कैसे? सबका मानना था कि स्व अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस बेस होना चाहिए एजुकेशन मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्व शिक्षा, स्व अनुभव शिक्षण विधि होना चाहिए। और सबने कार्य करके सीखने पे जोर दिया, करके क्रिया विधि शिक्षण सबका मानना था, प्रयोगात्मक शिक्षण विधि, मातृभाषा में शिक्षण हो और खेल कूद शिक्षण विधि। तो सबका शिक्षण विधि भी लगभग सेम था। तो किसी का भी पूछे तो आप आसानी से शिक्षा के सिद्धांत लिख सकते हैं, आप आसानी से शिक्षा के उद्देश्य लिख सकते हैं, आप आसानी से शिक्षण विधि लिख सकते हैं। लेकिन ये आप कब लिखिएगा, आपको शुरुआत कहाँ से करना है। देखिए, शुरुआत आपको यहाँ से करना है। जैसे मान लीजिए पूछता है गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए, तो आप यहाँ लिखेंगे कि गांधी जी एक महान शिक्षा सार्थी रूप में माने, गांधी जी को एक महान शिक्षा सार्थी के रूप में माना जाता है। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण करना है, मनुष्यता की निर्माण करना है, इंसानियत का निर्माण करना है। अर्थात शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए जो बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करे तथा उनके संघर्षमय जीवन की बाधाओं का सफलतापूर्वक समाधान करना सिखा सके, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ देता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो आप लिखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक महान शिक्षा सार्थी के रूप में जाना जाता है, उनके अनुसार सेम चीज़ है, ठीक है। अरविंद घोष जी के पूछता है तो अरविंद घोष जी लिखिए, और अगर पूछ देता है स्वामी विवेकानंद जी तो स्वामी विवेकानंद जी के लिखिए। और उसके बाद आप यहां से लिख दीजिए स्वामी विवेकानंद जी, जिसका भी पूछे यहां नाम लिखिए, और लिखिए जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करे तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम और अच्छा व्यवहार प्रदान करे। तो आप ये सबके लिए कॉमन है, आप आराम से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर और बेहतर लिखना चाहते हैं तो शिक्षा, अगर मान लीजिए जिसके बारे में पूछता है जैसे गांधी जी, तो आप गांधी जी का थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं, जैसे कि गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, इन्हें बापू के नाम से पुकारा जाता है, और उसके बाद लिख सकते हैं कि गांधी जी का मानना था या गांधी जी को महान शिक्षा शास्त्री कहते हैं। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है, इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। तो अगर आप उनका जीवन परिचय थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो आप शुरू में ऐड कर दीजिए और उसके बाद डायरेक्ट यहीं से शुरू करिए कि गांधी जी को एक महान शिक्षा शास्त्री या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक महान शिक्षा शास्त्री। कहने का मतलब है कि प्रश्न में जो भी पूछे आराम से उसका यहाँ पे नाम लिख लीजिए और इसी फॉर्मेट में आप थोड़ा सा लिख के उसके बाद सीधे आ जाइए कहाँ पे, उनके आधारभूत शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। तो महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की आधारभूत सिद्धांत, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब में कॉमन रहा, ठीक है। उसके साथ आप उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य यहाँ से लिख दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से शिक्षण विधियाँ लिख दीजिए, सबका यही लगभग समान रहा। और अगर विशेषताएं पूछ देता है दोस्तों तो विशेषताओं में भी आप यहीं से इसकी विशेषता निकाल सकते हैं कि उनके शिक्षा दर्शन की ये विशेषता थी कि वह संपूर्ण विकास पर जोर देती थी, वह बुद्धि वृद्धि पर जोर देती थी, वह उनकी शिक्षा दर्शन की विशेषता यह है कि वह बालक बालिकाओं के लिए समान शिक्षा होती थी। मतलब इसको आप यूँ समझिए कि कुछ भी इससे संबंधित आए आप आसानी से लिख सकते हैं और सही होगा। अब देखिए आपकी अब तारीफ है कि कैसे आप चीज़ों को लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें से कैसे प्रश्न के हिसाब से आप बना के लिख पा रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं के बारे में सबने कहा है, इन्हीं में से आपको जवाब बना के लिख लेना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से लिख कर आइए। देखिए एग्ज़ाम्स में मार्क्स इस बात से नहीं मिलता कि आपने कितना पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है, दो महीने पढ़ा है, मार्क्स आपको इस हिसाब से मिलेंगे कि आपने कितना लिखा है। और यकीन मानिए आपको लिख कर आना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और अगर अभी तक आपने इन चारों के बारे में
में नहीं पढ़ा तो आप आराम से ये लिखिए, और अगर विस्तृत पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आपको इनके बारे में स्पेशली मिल जाएगा, सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। वरना मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास टाइम कम है, एग्ज़ाम सर पे है, तो आप सिंपल सी बात है इन 9 बिंदुओं को शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत में लिखिए, और आसानी से इसका उद्देश्य लिखिए, और आसानी से इनकी शिक्षण विधि लिखिए, और आसानी से इसके आधार पे यहाँ से लिखना शुरू करिए। बहुत ही सही फॉर्मेट में आपको दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे फीडबैक दीजिए, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इनके बारे में, आप मुझे फीडबैक दे के बताइए कि क्या इससे भिन्न है, क्या ये सही नहीं है। आप प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये जानकारी कैसी लगी आपको, क्या मेरी बातों से आप सहमत होते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।